सपनों की शहजादी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को। सुनकर होगी आपको हैरानी, लेकिन सलमान खान और उनकी बारबी डॉल कटरीना कैफ की हम बात कर रहे हैं, जो फिल्म भारत में उनकी सपनों की रानी बन रही है, उनकी राजकुमारी बन रही है, उनके दिल की रानी बन रही है। लेकिन असल जिंदगी में उनके दिल की रानी भी कटरीना कैफ ही है, ये सच बताने के लिए लौट आए हैं हम एक बार फिर से आप सभी के लिए स्पेशल प्रोग्राम दबंग खान शो को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम की, और शुरुआत करते हुए इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि दबंग खान सलमान एक रियलिटी शो में सलमान खान किस तरह से कटरीना के सामने अपने घुटनों पर झुककर किस तरह अपने प्यार को जताते नजर आए थे। घुटनों को झुकाकर उन्होंने कटरीना को गले लगा लिया था और साथ साथ में उनके पीछे पीछे गाना गाते हुए उनके लिए प्यार का इजहार किया था। वाकई में वो वफा था उनके प्यार का, जो वाकई कटरीना को उनसे दूर नहीं कर पाता। भाई किस मौके की हम बात करें हैं, किस तरह से कटरीना के पैर छूने के लिए भी सलमान मजबूर हो गए थे, जब सलमान को हूबहू कॉपी करते हुए कटरीना सबके बीच स्टेज पर कॉन्फिडेंट के साथ टाइगर बनती नजर आई थी बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान के तौर पर। दबंग खान के स्टाइल में, दबंग स्टाइल में किस तरह चलती नजर आई थी कटरीना, फिर सलमान खान ने कैसा दिया था रिएक्शन, हम आपको बताएंगे कि कब वो मौका था जब सलमान कटरीना को पायला को कहकर उनके सामने खुद को झुकाने के लिए मजबूर हो गए थे। फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट्स की तरफ और जानते हैं उन सुहाने सफर के बारे में जब सलमान कटरीना सभी के बीच एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग को शेयर करते नजर आए थे। तो देखिए हमारी ये बेहद स्पेशल रिपोर्ट्स। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान घुटनों के बल बैठकर कटरीना कैफ के सामने शादी के लिए किस तरह राजी कर रहे थे उन्हें, इसका खुलासा आज इस रिपोर्ट में हम आपके बीच करने वाले हैं। जब कटरीना शर्मा कर कटरीना दुल्हन रूप में नजर आई सलमान खान के सामने, दरअसल डांस इंडिया डांस नाम के रियलिटी शो के एक एपिसोड में जब सलमान खान पहुंचे थे तो वहां सभी दर्शकों के बीच, ऑडियंस के बीच और कंटेस्टेंट्स के बीच, वहां पर बतौर जज जो मिथुन चक्रवर्ती भी थे, वहां सलमान खान ने अपने फेवरेट सॉन्ग ओ ओ जाने जाना को गाते हुए किस तरह हाथ फैलाकर कटरीना के सामने घुटनों पर बल बैठकर प्यार का इजहार किया था, उसी की हम बात कर रहे हैं जब कटरीना सामने बैठी थी और उनके पीछे पीछे जाते हुए सलमान खान उनके सामने आ बैठ गए थे और उनका ये रोमांटिक अंदाज हर किसी को हैरान कर गया था। बता दे आपको, सलमान ऐसा लग रहा था मानो घुटनों के बल बैठ कर वहां सलमान खान कटरीना को शादी के लिए राजी कर चुके हैं। सलमान खान ने कब नहीं अपनी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर कटरीना कैफ के बारे में बात की, लेकिन ये बात आपको शायद ही मालूम हो कि कटरीना कैफ जो कि सलमान खान से बहुत ज़्यादा प्यार लगाव रखती हैं, उस कटरीना कैफ के सामने सलमान खान इस तरह झुकते नजर आए थे कि सभी के होश उड़ गए थे। दरअसल सलमान खान की जब एक्टिंग कर रही थी कटरीना कैफ डीआईडी लिटिल शो के दौरान, डीआईडी नाम के जिस रियलिटी शो के दौरान सलमान खान के सामने सलमान खान को कॉपी करती कटरीना नजर आई थी, वहां पर उनका चलने का अंदाज बताती कटरीना ने जिस तरह से सलमान खान के पीठ को थपथपाया था, वो देख स्टेज पर सलमान खान ने कटरीना की तारीफ में उन्हें झुककर नमन भी किया था, पाए लागू कहकर उनके पैरों की तरफ इशारा कर मानो वो उनके पैर छू रहे हों। अब अपनी होने वाली पत्नी का ऐसा अंदाज देखकर कौन ना खुश हो। भाई फिल्म भारत में उनकी होने वाली पत्नी बन सकती है कटरीना, ये सभी जानते हैं। तो वहीं उनके सामने, सबके सामने उन्हें जबरदस्त सम्मान देते हुए सलमान को देख वाकई में सबके सब दंग रह गए। जैसा कि हमने आपको बताया ही, सलमान खान और कटरीना कैफ दोनों एक दूसरे को बेहद ही अच्छे से जानने लगे, समझने लगे। लेकिन सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्मी सफर की अगर बात की जाए तो दोनों ही अपने फिल्मी सफर की वजह से फिर चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि फिल्म भारत में दोनों को फिर से देखा जाएगा। इस फिल्म में दोनों को आप रोमांटिक अंदाज में देखेंगे, साथ साथ में दोनों को आप अपने फिल्मी सफर को आगे बढ़ाते देखेंगे।
बता दें आपको, सलमान खान ही है जिनकी वजह से कटरीना ने फिल्म भारत में काम करने से कभी भी इनकार नहीं किया। फिल्म भारत जिसमें सलमान खान की को स्टार बनेंगी कटरीना कैफ, उनके साथ एक रोमांटिक सॉन्ग को भी फिल्माती नजर आई है वो, उनकी पत्नी के रूप में नजर आई है वो, उनके सपनों की मिसेस खान बनती नजर आई है कटरीना। लेकिन बात फिलहाल सलमान खान के जिंदगी में कटरीना कैफ के असल में होने की है। तो आज हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि एक समय ऐसा था जब सलमान खान ने खुद कटरीना के बारे में अपनी बात रखते हुए, उनको कॉपी करते हुए ये बताया था कि कटरीना किस हद तक उन्हें चाहती है। उन्हें कॉपी करते हुए सलमान ने बताया था कि कटरीना उनका ख्याल रखते हुए उन पर कई बार गुस्सा भी कर देती है। तो वहीं कटरीना जब सलमान को कॉपी करते नजर आई थी, जिस तरह वो दबंग स्टाइल में सेट पर पहुंचते हैं, वो देखकर सलमान उनके पूरी तरह से कायल हो गए थे और उनकी अदाओं पर सलमान खुद को वाकई में डूबने से नहीं रुक पाए थे। तभी उन्होंने कटरीना को गले लगा लिया था हंसते हुए, जो काफी एम्बैरस थी ये देखकर कि कटरीना उन्हें वाकई में पूरी तरह से कॉपी कर लेती है। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, हम एक रियलिटी शो के दौरान ये सच जब सामने आया था तो काफी खूबसूरत माहौल था, सलमान कटरीना की कॉपी और कटरीना सलमान को कॉपी करते नजर आए थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे और बुरे आदतों का खुलासा करते नजर आए थे और दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशन को देते हुए वाकई में ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे की हर सच्चाई से दोनों रूबरू हों। इसी दौरान सलमान खान अपनी एक फिल्म का गाना ओ ओ जाने जाना पर जब डांस करते नजर आए थे तो कटरीना वहां सामने बैठी और सलमान वहां उन्हें प्रपोज करने से पीछे नहीं रहे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने शादी का ऐलान कर दिया हो, घुटनों पर बैठकर उन्हें पत्नी बनाने के लिए खुद को राजी कर लिया हो। इसी वजह से सलमान और कटरीना को साथ देखकर वहां के फैंस ये भी समझ लिए कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। खैर ये बात अलग है कि तब फिल्म टाइगर जिंदा है के प्रमोशन को लेकर दोनों ने अपनी स्वीट मोमेंट को सबके बीच लाकर एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जताकर खूब तारीफ बटोरी। लेकिन दोनों की जोड़ी वाकई में बड़े पर्दे पर जितनी खूबसूरती के साथ लोगों के बीच सामने आई, उतनी ही ज्यादा खूबसूरती के साथ दोनों के प्यार को बॉलीवुड के पर्दे के पीछे भी देखने के लिए फैंस बेताब बैठे। तो ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम दबंग खान शो, जिसमें हमने आपको लेटेस्ट अपडेट से अब अपडेट करा दिया है। बताया हमने आपको सलमान खान कटरीना कैफ के लिए प्यार का इजहार करने के लिए अपने पुराने फिल्म के गाने को इस्तेमाल करते नजर आए थे। इस तरह उन्होंने ढूंढे तुझे दीवाना कहकर सबके बीच ये बताया कि दीवानगी अब भी उनके दिल में कटरीना के लिए कम नहीं हुई। वाकई में वो प्यार था कटरीना के लिए जो खुल्लम खुल्ला सबके बीच सामने आ गया था। जी हाँ, और वो प्यार एक बार फिर से फिल्म भारत में आप देख पाएंगे। फिल्म भारत जिसके लिए पहले से ही कटरीना फर्स्ट चॉइस थी, ये बात अलग है कि देसी गर्ल का नाम फिर इस फिल्म से जुड़ा। और देखिए ना, किस्मत ने भी कैसा खेल खेला कि प्रियंका खुद ब खुद हो गई साइड। उन्हें भी हो गया था शायद यकीन कि यहाँ सलमान के साथ कटरीना ही जचेंगी, तभी तो कटरीना ने ले लिया साइड अपने निक जॉनस के लिए, अपने होने वाले हस्बैंड के लिए फियांसी के साथ एंगेजमेंट के बहाने से। और फिर कटरीना आ ही गई सलमान के पास। अब ये किस्मत कहे या कुदरत का खेल करे या फिर कोइंसिडेंस कहे या फिर दोनों को मिलाने की कायनात का जरिया कहे, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। वाकई में कुछ ऐसा ही लगता है दोनों को देखकर। खैर हम तो उम्मीद करेंगे कि ये जोड़ी सिर्फ भारत फिल्म ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहे। वक्त आ गया है आप सभी से यही अब इजाजत लेने का, तो दबंग खान शो को हम यही करते हैं डियर। लौटेंगे फिर इस प्रोग्राम के साथ एक और एपिसोड को लेकर ऐसे ही किसी दिलचस्प किस्सों से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर,
तो हमें संपर्क करें।